कामगारों को न्याय दिलाने चिमूर के स्वराज्य बांध काम कामगार संगठना ने उड़ाकार लेकर एक दिवसीय धरना आंदोलन किया। महाराष्ट्र इमारत और अन्य बांधकाम कल्याणकारी मंडल मुंबई की ओर से इमारत और अन्य बांधकाम कामगारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक इस क्षेत्र के 29 तरह के लाभ दिए जाते हैं। इस मंडल की स्थापना 2011 में हुई, प्रत्यक्ष लाभ 2014 से दिया जा रहा है, लेकिन शासन की और प्रशासन की उदासीनता से कामगारों की नोंदनी और प्रत्यक्ष लाभ देने में देरी हो रही है, जिससे तहसील के कई कामगार लाभ से वंचित है, जिससे न्याय हक के लिए कामगार रास्ते पर उतरे हैं। कामगारों को न्याय देने के लिए चिमूर के स्वराज्य बांधकाम कामगार संगठना ने पुढ़ाकार लेकर एक दिवसीय धरना आंदोलन प्रशासन के विरुद्ध तहसील कार्यालय के सामने किया। नोंदनीकृत इमारत बांधकाम कामगारों को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला। अनेक ग्राम सेवक नाका प्रमाण पत्र देने टाल मटोल कर रहे हैं। चिमूर जिले की निर्मित कर जल्द सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय शुरू करे, 100 कामगारों की योग्य कागजातों के साथ पेश करने पर कामगारों की सुविधा स्थान शिविर आयोजित कर नोंदनी करें। राज्य में प्राधिकृत किए गए नोंदनी अधिकारी इन्हें योग्य प्रशिक्षण देकर 100% नोंदनी कर आदेशित करें। नोंदनी कार्य में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करें। नोंदनी और लाभ के काम के लिए मजदूरों का आर्थिक शोषण और उनकी तलाश लेकर फौजदारी गुन्हे दाखिल करें। नोंदनीकृत कामगारों को उसके 60 वर्ष के बाद मासिक 6,000 पेंशन दी जाए आदि मांगों के साथ 21 मांगों का निवेदन महाराष्ट्र इमारत और अन्य बांधकाम कामगारों की समस्या जल्द हल करने संबंध उप विभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी प्रकाश संकपाल की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्हें भेजा गया है। मांगों का निवेदन देते स्वराज्य बांधकाम संगठना राज्य अध्यक्ष धनराज गेडाम, राज्य सचिव देवचंद टेंभुरकर, राज्य कार्यालयीन सचिव नरेश पिल्लेपान, जिला अध्यक्ष गढ़चिरौली बंडू सोनबाने, जिला सचिव गढ़चिरौली संदीप किरमिरे, राज्य प्रमुख संघटक गजानन शेडाम, जिला अध्यक्ष रविन्द्र गांगले, भाग्यवान नंदेश्वर तुलसीदास बंसोड, चिमूर तहसील कोषाध्यक्ष नरेंद्र शेंडे, ताजुल मेश्राम, मनोज राउत, आकाश भगत आदि उपस्थित थे। निवेदन की प्रतिलिपि मंत्री नितिन राउत, मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री छगन भुजबल, मंत्री बाला साहेब थोरात, सुभाष देसाई, जयंत पाटिल इन्हें भेजे गए हैं। धरना आंदोलन में जिले के कामगार उपस्थित थे। प्रामुख्याने संघटनेच्या वतीने चिमूर जिल्ह्याची निर्मिती करून सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावं ही प्रमुख मागणी आहे। त्याचबरोबर कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रियेत, नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेत शासन आणि प्रशासनाच्या वतीने खूप अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत। हा गुंता नवीन सरकारने सोडवावं एवढी विनंती करण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन या ठिकाणी केलेलं आहे। त्याचबरोबर कामगारांना 60 वर्ष वयोगटानंतर त्यांना हक्काचं पेन्शन मिळावं, मासिक 6,000 रुपये पेन्शन मिळावं, ही सुद्धा प्रामुख्याने या ठिकाणी मागणी करण्यात आलेली आहे। जे नाका प्रमाणपत्र आहे त्याच्यावरती ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सचिव, ग्रामसेवक किंवा इतर प्राधिकृत अधिकारी नाका प्रमाणपत्रावरती स्वाक्षरी देत नाहीत, त्यांना शासन निर्णयानुसार आदेशित करावं की त्यांनी आमच्या कामगारांची पिळवणूक करू नये। त्यानंतर जे नोंदणी प्रक्रिया आहे ती सुलभ व्हावी, लाभाची प्रक्रिया आहे ती सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयातून अनेक अर्ज, लाखो अर्ज त्या कार्यालयामध्ये पडलेले आहेत, फक्त पेट्या वाटप केलेल्या आहेत, मात्र शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक लाभ चे लाखो फॉर्म अजूनही निकाली, मागील दोन वर्षापासून निकाली निघालेले नाही। ते शासनाने लक्ष घालून त्वरित कामगारांना लाभ मिळावा एवढी विनंती करतोय।